गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेसन में अपन ने डिस्कस किया था कि विदलन विभाजन के लाक्षणिक लक्षण क्या है, कौन से ऐसे करैक्टर हैं जो उसको समसूत्री विभाजन से अलग करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो बेसिक चीज थी वो ये थी कि इंटरफेज नहीं पाई जाएगी, इसलिए इंटरफेज नहीं पाई जाएगी तो ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी तो उसकी साइज में कोई चेंज नहीं आएगा और शेप भी लगभग वैसी ही रहेगी। लेकिन हाँ, कि कुछ केसेस में अंडे के टाइप पे डिपेंड करता है कि ब्लास्टोसिल का डेवलपमेंट हो जाता है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत साइज में चेंज आ जाता है। अब आज अपन डिस्कस करेंगे कि प्लेन्स ऑफ क्लीवेज। क्या डिस्कस करेंगे? प्लेन्स ऑफ क्लीवेज, प्लेन्स ऑफ क्लीवेज, विदलन के तल, मतलब कौन कौन से वो प्लेन हैं, वो तल हैं जिसके द्वारा एक जो आपकी स्ट्रक्चर है, जैसे भाई दे मान के चलो कि ये एक ओवम है या अंडा है, वो अंडा या आप मान लो ओवम है, ओवम फर्टिलाइज होके और अंडा में चेंज हो जाता है, ये एक द्विगुणी संरचना है। अब ये द्विगुणी संरचना कैसी है? एक कोशिकीय। अगर हमारे केस में भी देखें तो शुरू में फर्टिलाइजेशन के बाद हम भी एक कोशिकीय जायगोटी होते हैं, बाद में वो बहुकोशिकीय एनिमल में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन बहुकोशिकीय एनिमल में ये संरचना एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय में जो परिवर्तित होगी वो किसकी वजह से होगी? क्लीवेज डिवीजन की वजह से, क्लीवेज डिवीजन की वजह से। और वो विदलन विभाजन, इसमें बार बार रिपीटेड डिवीजन होता है और कोई इंटरफेज नहीं पाई जाती, इसलिए बहुत फास्ट वो चलते हैं, जिसकी वजह से ये एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय में परिवर्तित हो जाता है, एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय में परिवर्तित हो जाता है और इसके दौरान परिणाम स्वरूप एक मोरूला का निर्माण होता है जो एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठोस गेंद जैसी संरचना होती है। वो सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर में इसकी जो कोशिकाएं होती हैं उनको, जैसे आपने देखा था कि इनको ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, क्या नाम देते हैं? ब्लास्टोमियर्स। इन ब्लास्टोमियर्स में कुछ मूवमेंट स्टार्ट होते हैं जिसकी वजह से ये थोड़ी सी एक दूसरे से टाइटली ज्वाइन हो जाती हैं, एक दूसरे से टाइटली अरेंज हो जाती हैं लेयर की फॉर्म में, और उन लेयर को यहां पर ब्लास्टोडर्म के नाम से जाना जाता है। ब्लास्टोडर्म में जब ये अरेंज हो जाएंगी तो कुछ जगह इसके बीच में कई बार क्रिएट हो जाती है, वो डिपेंड करता है कि ओवम किस टाइप का है, और उस कैविटी को नाम दे देते हो आप ब्लास्टोसिल। क्या नाम देते हैं? ब्लास्टोसिल। और यहां जो लेयर हो जाती है वो हो जाती है ब्लास्टोडर्म। और इस प्रकार से जो मोरूला होता है उसमें कैविटी डेवलपमेंट हो जाती है, कोशिकाएं जो है ब्लास्टोमियर्स वो लेयर की फॉर्म में अरेंज हो जाती हैं और बीच में या थोड़ी सी एक्सेंट्रिक मैनर में थोड़ी सी केंद्र से हटके एक कैविटी का डेवलपमेंट हो जाता है जिसको कि आप ब्लास्टोसिल कहते हैं। तो इस प्रकार की जब संरचना बन जाती है तो दैट इज नोन एज ब्लास्टूला। क्या नाम दोगे? ब्लास्टूला। और ये ब्लास्टूला आगे जाके किस में परिवर्तित हो जाता है? गैस्टूला में, जो कि डिपेंड करता है कि एनिमल किस प्रकार का है। अगर एनिमल डिप्लोब्लास्टिक है तो उसमें दो प्रकार की परतों में ही वो बदल जाएंगे, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। अगर एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो उसमें थ्री जर्मिनल लेयर्स बनेंगी, तीन जननी उपकलाएं बनेंगी, एक एक्टोडर्म, एक एंडोडर्म और एक इन दोनों के बीच की मीजोडर्म। और अगर डिप्लोब्लास्टिक है तो उसमें टू जर्मिनल लेयर्स बनेंगी, दो जननी उपकला बनेंगी, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। ये थ्री जर्मिनल लेयर्स और टू जर्मिनल लेयर्स ही आगे जाकर सारे ऑर्गन्स के, सारे कोशिकाओं के, सारे टिश्यूओं के, सारे ऑर्गन्स जितने भी अपनी बॉडी में हैं, सिस्टम्स जितने भी हैं, वो सारे के सारे इन्हीं से डेवलप होते हैं, ठीक है ना। तो क्लीवेज डिवीजन ही वो डिवीजन है जिसके द्वारा एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय में परिवर्तित हो रहा है और उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आगे बढ़ता है। तो क्लीवेज डिवीजन किस प्रकार से ये कोशिकाएं बनेंगी, किस साइज की बनेंगी, कैसे वो जायगोट है वो कटेगा, सीधा कटेगा, आडा कटेगा, तो इस प्रकार से अलग अलग एनिमल्स में डिपेंड करता है कि उसके ओवम में या उसके जाइगोट में कितना योक है, उस योक के द्वारा या उसमें शेप किस प्रकार की है और योक कहाँ उपस्थित है, एक तो अमाउंट ऑफ योक और एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक, योक पीतक की मात्रा और उसका वितरण, पीतक का वितरण ही डिफाइन करता है कि क्लीवेज फरो कहां से गुजरेगी। क्योंकि है ना, हमेशा यही होता है कि जो चीज इजी होती है उसे आराम से कर देते हैं, बहुत जल्दी से हो जाती है। तो
किसी भी अगर अंडाणु में देखें या जाइगोट में देखें तो उसमें जो योग होता है वो ज्यादातर वेजिटल पोल की तरफ होता है और एनिमल पोल की तरफ एक्टिव साइटोप्लाज्म होता है और योग के कण होते हैं वो छोटे होते हैं, जबकि बड़े बड़े कण होते हैं वो थोड़े से डेंस और हैवी होने की वजह से नीचे की तरफ होते हैं। तो एक अंडाणु है उसके दो पोल में उसको डिवाइड किया जा सकता है, एक वो एरिया जिसमें उसका न्यूक्लियस उपस्थित है दैट इज नोन एज एनिमल पोल, और एक वो एरिया जिसमें उसके योग के पार्टिकल्स उपस्थित है दैट इज नोन एज वेजिटल पोल। वेजिटल पोल मतलब काइक का काम करेगा, ये एनर्जी देने का काम करेगा, जबकि इसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। तो इस प्रकार से योग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर यहां से क्लीवेज फ्रो गुजरेगी तो यहां से तो फटाफट गुजर जाएगी, लेकिन आगे जाके इसको ताकत लगानी पड़ेगी क्योंकि ऊपर यहां पर डेंस है, ये घना है, तो ये फट से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर जो बनने वाली कोशिका है वो दो प्रकार की हो जाएंगी, कुछ छोटी बनेगी कुछ बड़ी बनेगी। जो छोटी बनेगी उनको माइक्रो ब्लास्टोमियस कहेंगे, जो बड़ी बनेगी उनको मैक्रो बोलेंगे, ठीक है ना। जो छोटी होती है वो आगे जाके एक्टोडर्म में डेवलप होती है और जो बड़ी होती है वो आगे जाके एंडोडर्म में डेवलप होती है, सामान्यतः यही प्रक्रिया होती है। तो ये बात की बात है, अपन ब्लास्टुला और गैस्टुला में पढ़ेंगे। तो आज अपन डिस्कस करते हैं कि वो कौन से तल हैं जिसके द्वारा एक जाइगोट बटता है और वो क्या कहलाते हैं, प्लेन्स ऑफ क्लीवेज, विदलन के तल। तो अपन एक है ना टिपिकल एक एग की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक सोचते हैं कि भाई अंडा इस प्रकार से होता है ओवल शेप का। तो यहां पर अगर देखें ये इस प्रकार से एक आप अंडा बना लीजिए, ठीक है ना। ये एक अंडा हो गया, ठीक है। इस अंडे में यहां पर इसका पीतक भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, क्योंकि ये अपने आप में एक सेल है, द्विगुणित सेल है। अब बायदी मान के चलें, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। इस अंडे में ये न्यूक्लियस है, ये पीतक है और ये साइटोप्लाज्म है, इस प्रकार से ये अंडा है। तो इसके दो पोल अपन ने डिस्कस किए थे, ये ऊपर वाला हिस्सा जो होगा, हमेशा किसी भी अंडे को आप अगर ऐसे खड़ा रखो, मुर्गी का अंडा लो उसको ऐसे खड़ा रखोगे तो हमेशा उसका जो लाइट वाला जो एरिया है वो ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर वाले एरिया को आप नाम दे दोगे एनिमल पोल, क्या नाम दोगे, एनिमल पोल, और नीचे वाले हिस्से को नाम दे दोगे वेजिटल पोल। दो ध्रुव हो गए, एक एनिमल पोल हो गया एक वेजिटल पोल हो गया, ठीक है ना। ये एक्टिव साइटोप्लाज्म, अगर बायदी में मान के चले कि इसको इस प्रकार से ये एनिमल पोल है ये वेजिटल पोल है और यहां अगर देखें तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया। तो न्यूक्लियस को अगर थोड़ी देर यहां से हटा दें और किसी अंडे को अगर टिपिकल देखें तो ये इसका केंद्र है, ठीक है। तो यहां पर किस प्रकार से वो क्लीवेज फरो गुजरे, तो बायदी मान के चले कि एक क्लीवेज फरो इस प्रकार से गुजरे कि वो एनिमल पोल से चलती हुई उसके केंद्र से गुजर जाए और वेजिटल पोल को उसको आर पार दोनों पोल्स को ऐसे बाइसेक्ट कर दे, दो में बांट दे। तो ये वाला जो प्लेन है इसको आप नाम दोगे मेरिडियोनल, क्या नाम दोगे, मेरिडियोनल प्लेन। मींस क्लीवेज फरो एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ जाए और अंडे के बीचों बीच से मींस उसके केंद्र से गुजरे, तो दैट इज नोन एज मेरिडियोनल प्लेन। उसको कंप्लीटली दो में बांट दे और एनिमल पोल को और वेजिटल पोल के केंद्र से गुजरे, अंडे के केंद्र से गुजरे, ठीक है, तो दैट इज नोन एज मेरिडियोनल प्लेन। दूसरी होती है वर्टिकल, वर्टिकल प्लेन या वर्टिकल तल, ठीक है ना। वर्टिकल तल में अपन को क्या करना है कि क्लीवेज फरो एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ ही जाए। इसमें भी क्या किया था, एनिमल पोल ये है और ये वेजिटल पोल है, क्लीवेज फरो एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ जाए लेकिन उसके केंद्र से ना गुजरे, या तो केंद्र के लेफ्ट से गुजर जाए या केंद्र के राइट से गुजर जाए। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि क्लीवेज फरो
एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ जाए और उसके सेंटर से ना गुजरे, तो एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक है ना? ये दो संभावना हो जाएगी, केंद्र से ना गुजर के या तो उसके लेफ्ट से गुजर जाए या उसके राइट से गुजर जाए, तो दे आर नॉन एज वर्टिकल प्लेन। तो ये तो क्या हो जाएगा, मेरिडियोनल, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा वर्टिकल, और ये भी क्या हो जाएगा वर्टिकल, या इसको सेकेंड वाला, ये सेकेंड और ये फर्स्ट, ठीक है? क्लियर? मींस क्लीवेज फॉर एनिमल पोल से वेजिटल पोल की ओर जाए और उसके केंद्र से गुजर जाए, दैट इज मेरिडियोनल, और क्लीवेज फॉर एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ ही जाए लेकिन केंद्र से ना गुजर के उसके बाएं या दाएं हिस्से से गुजर जाए, तो दैट इज नॉन एज वर्टिकल। उसको क्या नाम दोगे, वर्टिकल प्लेन। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि एक इस प्रकार की क्लीवेज फरो जो उसके एनिमल पोल और वेजिटल पोल दोनों को दो में बांट दे, ठीक है, दो में बांट दे, तो इसको अगर आप दें और वो उसके केंद्र से गुजरे, एनिमल और पोल, पोल और वेजिटल पोल दो में बांट, दो हिस्सों में बांट दे, अलग अलग हिस्सों में बांट दे और उसके सेंटर से गुजरे, तो दैट इज नॉन एज इक्वेटोरियल। क्या नाम दोगे, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल प्लेन। ये थर्ड, ठीक है? नेक्स्ट आता है अपना फोर्थ, दैट इज नॉन एज लैटिट्यूडिनल, लैटिट्यूडिनल, और इसको हॉरिजेंटल भी बोलते हैं, हॉरिजेंटल, और या आप कह सकते हो ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ काट, ठीक है? चौथा क्या है, लॉन्गिट लेटिट्यूडनल, हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर, वर्टिकल जो होता है उसको लॉन्गिट्यूडनली भी बोलते हैं, वर्टिकल जो प्लेन है उसको लॉन्गिट्यूडनल भी कह सकते हो, ठीक है? अब देखिए, पहला एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ जाए, केंद्र से गुजर जाए, दूसरा एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ जाए लेकिन केंद्र से ना गुजरे, तीसरा दोनों पोल्स को, ये एनिमल पोल है और ये वेजिटल पोल है, उसको दो भागों में बांट दे, दो अलग अलग कर दे, इस प्रकार का प्लेन लेकिन वो अंडे के केंद्र से गुजरे, तो ये हो जाएगा आपके इक्वेटोरियल। चौथा क्या होगा, एनिमल और वेजिटल पोल को दो भागों में बांटे लेकिन मतलब उसको वो उसी तरह से इनको अलग अलग कर दे कि ये एनिमल पोल की तरफ से निकल गई या लेकिन केंद्र से ना निकल के या तो एनिमल पोल की तरफ से निकल जाए या वेजिटल पोल की तरफ से निकल जाए, तो वो क्या हो जाएगा इस प्रकार से, आपके ये वाला प्लेन, दैट इज फोर्थ नंबर, इसको अपन क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स, ठीक है? चौथा केंद्र से नहीं गुजरा, एनिमल पोल और वेजिटल पोल को बराबर बांट, मतलब बराबर नहीं बांटा लेकिन उसको अलग अलग कर दिया, और केंद्र से नहीं गुजरा, केंद्र के नीचे से गुजर जाए या केंद्र के ऊपर से गुजर जाए, तो इसको नाम क्या देंगे अपन, लॉन्ग लेटिट्यूडनल या हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स सेक्शन। अपन करते हैं ना बॉटनी में ऐसे सेक्शन काटते हैं, तो टीएस काटते हैं ना, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया, ठीक है ना? तो इस प्रकार से चार तल हैं जो अंडे को या जायगोट को अलग अलग तरह से काटने का काम करते हैं, चारों के एक मेरिडियोनल प्लेन है जो एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ चलेगा और सेंटर से गुजरेगा, दूसरा वर्टिकल प्लेन है जो एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ ही चलेगा लेकिन सेंटर से ना गुजर के उसके लेफ्ट या राइट से निकल जाएगा, तीसरी अगर बात करें तो एक इस प्रकार का तल जो एनिमल पोल और वेजिटल पोल को दो भागों में, दो अलग अलग में बांट देगा, एनिमल पोल अलग हो जाएगा, वेजिटल पोल अलग हो जाएगा और अंडे के केंद्र से गुजरेगा, मतलब बराबर के दो हिस्सों में बांट देगा, एनिमल पोल ऊपर वेजिटल पोल, तो दैट इज नॉन एज इक्वेटोरियल, इक्वल का मतलब बराबर बांटने वाला। और एक इस प्रकार का तल जो एनिमल और वेजिटल पोल को दो अलग अलग हिस्सों में तो करेगा लेकिन वो उसके केंद्र से नहीं गुजरेगा, बराबर में नहीं बांटेगा,
या तो केंद्र के ऊपर से निकल जाएगा या केंद्र के नीचे से निकल जाएगा, मीन्स अंडे के ऊपर वाले भाग से या अंडे के नीचे वाले भाग से, तो दैट इज नॉन एज हॉरिजॉन्टल या लैटिट्यूडनल या ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है ना, या ट्रांसवर प्लेन। तो इस प्रकार से ये चार प्लेन है जो जायगोट में अलग अलग टाइम में अलग अलग प्रकार से होते हैं, और वो उन जायगोट को एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय में परिवर्तित करने का काम करते हैं, और उसकी वजह से अलग अलग प्लाल की अलग अलग शेप की अलग अलग साइज की ब्लास्टोमियर्स बनती हैं, और वो ब्लास्टोमियर्स में अलग अलग करेक्टर आते हैं, कुछ एक्टोडर्म में डेवलप हो जाती हैं, कुछ एंडोडर्म में डेवलप हो जाती हैं, कुछ मीजोडर्म में डेवलप हो जाती हैं, डिपेंड करता है शेप साइज और अमाउंट ऑफ योग के हिसाब से कि भाई किस प्रकार का वो होगा। तो इस प्रकार से चार प्लेन, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। ये नंबर वन जो एनिमल से वेजिटल की तरफ जाएगा केंद्र से गुजरेगा, नंबर टू जो एनिमल से वेजिटल की तरफ जाएगा लेकिन केंद्र के इधर या उधर या लेफ्ट या राइट से निकल जाएगा, एक दोनों को बराबर में बांटेगा और सेंटर से गुजरेगा, और एक दोनों को बराबर में नहीं बांटेगा और सेंटर के ऊपर या सेंटर के नीचे से गुजर जाएगा। तो इस प्रकार से ये चार तल है। हाँ, एक जनरल फैक्ट है कि किसी भी जायगोट में फर्स्ट जो क्लीवेज डिवीजन होता है दैट इज ऑलवेज वर्टिकल, वो हमेशा वर्टिकल ही होता है, उसके बाद आगे जो होते हैं वो अलग अलग तरह से होते हैं। तो इस प्रकार से ये विदलन के चार तल है, मेरिडियनल, वर्टिकल, इक्वेटोरियल और ट्रांसवर या ओरिजेंटल। ठीक है, थैंक यू।